आज इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं एक ऐसे वीर की बात करने वाला हूं, एक ऐसे परमवीर चक्र विजेता की बात करने वाला हूं, जिसका आप लगातार जिक्र कमेंट बॉक्स में कर रहे थे। कहते हैं कि उस बांसुरी को खरीद करके माने फाइनली उन्हें दे दिया। कहते हैं वो बांसुरी अगले 22 सालों तक मनोज कुमार पांडे जी ने अपने साथ रखी। कहते थे जब वो सैनिक स्कूल में गए, ऑब्वियसली लखनऊ, वहाँ से जब वो पुणे खड़गवासला गए, ऑब्वियसली NDA के थ्रू, और फाइनली जब वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून गए, हर जर्नी में ये बांसुरी कहीं ना कहीं उनके साथ थी। कि जब NDA के इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आखिर आप फौज क्यों ज्वाइन करना चाहते, उस इंसिडेंट में उन्होंने कहा था कि मुझे परमवीर चक्र जीतना है, इसलिए मैं सेना में आना चाहता हूं। किस देश का ये सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड है, इसलिए मैं इसको जीतना चाहता हूं, और मैं ये जानता हूं कि बहुत लोगों ने इसको मरणोपरांत जीता है, बट मैं इसको जीते जी जीतना चाहता हूं। दैट्स द क्वालिटी अबाउट द कॉन्फिडेंस। हर बार की भी मैं पूरी कहानी डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, क्योंकि एक ऐसी जर्नी रही है जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मशीन गन की गोलियों की रफ्तार कहते हैं 2900 फीट प्रति सेकंड। अगर वो आपके बाजू से चली जाए तो आपको लगता है किसी ने आपको जोर का धक्का मारा। बड़ा आसान लगता है ना यार, हम फिल्मी कहानियां देखते हैं, फिल्मी हीरोज को गोली चलाते देखते हैं, लोग उड़ते हुए देखते हैं। माइनस टेम्परेचर है और कपड़ों में पसीना लगा हुआ है, ये है जज्बा जब आप किसी मिशन के लिए रियल में बढ़ रहे होते हैं। हम तो एक सेकंड में घबरा जाते हैं यार, अच्छा मौसम नहीं पड़ेंगे, गर्म मौसम नहीं पड़ेंगे, थोड़ी ठंडी रजाई में भी घुस के हम नहीं पड़ेंगे। और फाइनली वो ग्रेनेड जो उनके हाथ में था गोली लगने से पहले, उस बंकर के अंदर गिरा और चौथा बंकर भी ध्वस्त हो गया, और फाइनली तिरंगा झंडा उस पर्टिकुलर खालोबार टॉप हिल पे फहराया गया। मेजर कल्ची क्लासेस ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट, अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड द MKC लर्निंग ऐप एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है, और ऑब्वियसली आपकी पॉजिटिविटी और कहीं ना कहीं आपके मोटिवेशन ने मेरे अंदर के मोटिवेशन को जगा दिया है, और फाइनली मुझे दिन दूना रात चौगना ये शक्ति आ रही है कि मैं आपके सामने उन सारे रियल हीरोज़ की कहानी ले आऊँ जो कहीं ना कहीं मुझे, हम सबको, इस देश को और आप सबको इंस्पायर करती हैं कि आखिर इस देश का फौजी क्यों बना जाए। आज इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं एक ऐसे वीर की बात करने वाला हूँ, एक ऐसे परमवीर चक्र विजेता की बात करने वाला हूँ, जिसका आप लगातार जिक्र कमेंट बॉक्स में कर रहे थे, और मैंने वादा किया था कि आखिर जितने भी रियल हीरोज़ हैं, जिनके भी नाम आप कमेंट बॉक्स में लाएंगे, उन सब की स्टोरी, उन सब की वीर गाथा मैं आपके सामने लाऊंगा और उनको कवर करूंगा। और वो केवल एक स्टोरी नहीं होगी, एक इंस्पिरेशन नहीं होगी, बल्कि एक ऐसी चीज़ होगी जिसके माध्यम से आप अपने अंदर के जज्बे को, कॉन्फिडेंस को बरकरार रखेंगे और आगामी आने वाले हर एग्ज़ाम में अपना कमाल करके दिखाएंगे। तो चलिए आज बढ़ते हैं, और ऑब्वियसली आज मैं बात करने वाला हूँ अगेन इस देश के एक वीर सपूत की, आज मैं बात करने वाला हूँ कैप्टन मनोज पांडे के विषय में। ऑब्वियसली लगातार बच्चों की लगातार डिमांड थी मेरे से कि सर आखिर कैप्टन मनोज पांडे का जीवन आप कब कवर करेंगे, तो ऑब्वियसली आज मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ एक ऐसे वीर का जीवन कवर करने के लिए जो ऑब्वियसली अपने अदम्य साहस, वीरता के लिए जाने जाते हैं, और ऑब्वियसली हम सबको इंस्पायर करते हैं, दिल से एक खुशी महसूस कराते हैं दिल से कि वाकई में हम भारत देश के नागरिक हैं और हमारे भारत के ऐसे वीर सपूत हैं। तो आज आगे बढ़ते हैं और इनके विषय में डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। आज इस पूरे सेशन के माध्यम से आप समझेंगे कैप्टन मनोज पांडे के कंप्लीट बाल्यकाल को, उनकी पूरी एजुकेशन को, उनके जीवन को, उनकी जो पूरी की पूरी डेवलपमेंट हुई एक आम इंसान से उस जेंटलमैन कैडेट तक और उस ऑफिसर तक की लाइफ की जर्नी मैं क्रमशः आपको दिखाऊंगा। ऑब्वियसली एक कहानी नहीं होगी बच्चा, बल्कि इस कहानी के माध्यम से, इस इंस्पिरेशनल स्टोरी के माध्यम से आप खुद के जीवन को कनेक्ट कर पाएंगे, ये महसूस कर पाएंगे कि वाकई में अगर मुझे भी इस देश का फौजी बनना है, अफसर बनना है, तो आखिर किस तरह की क्वालिटी पे हमें काम करना होगा और कैसे खुद को बेहतर करना होगा। इस कड़ी में मैं उनके हर तरह के ऑपरेशन, हर तरह के जो ओवरऑल उनके जीवन में संघर्ष आए, जो प्रयास आए, जो एफर्ट्स आए, उन सारे प्रॉस्पेक्ट को कवर करूंगा, और अंत तक जाते जाते आप महसूस करेंगे कि वाकई में अगर मनोज पांडे को वीर चक्र, परमवीर चक्र मिला इस देश में, तो किस वजह से मिला और क्यों मिलना चाहिए था। ऑब्वियसली आप भी महसूस करेंगे और हम सब एक साथ दहाड़ेंगे कि हमारा भारत का फौजी वाकई में दुनिया में हट के सबसे बेहतर है, सबसे अलग है, और जो प्रूव करता है हर दृष्टिकोण से कि आखिर वो इंडियन फौज का हिस्सा क्यों है। तो चलिए बढ़ते हैं और इनके जीवन में पूरा का पूरा चरित्र को देखने की कोशिश करते हैं। मनीष पांडे जी का जन्म 25 जून 1975 को
सीतापुर ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा जिला है, और उस छोटे से जिले के छोटे से गांव रूधा जो है गांव में इनका जन्म हुआ। कहते हैं कि ऑब्वियसली इनका जो जन्म हुआ वो मनोज नेपाली क्षेत्रीय परिवार में इनका जन्म हुआ। पिताजी का नाम गोपीचंद पांडे तथा माँ का नाम मोहिनी था। ऑब्वियसली एक ऐसे पुत्र का जन्म हुआ था, एक ऐसे सूरवीर का जन्म हुआ था जो आगे चल के शायद पेरेंट्स को भी नहीं पता था कि आखिर देश के लिए इतना कुछ कमाल और इतना कुछ बेहतर वो करने वाले हैं। ऑब्वियसली शुरुआती दौर में जब इनका बेसिक एडमिशन जो रहा, ऑब्वियसली उस सैनिक स्कूल लखनऊ में इनका एडमिशन हुआ, तो जीवन कहीं ना कहीं अनुशासन से भरा हुआ रहा, वीरता से भरा हुआ रहा, क्योंकि कैसे एक्सपीरियंस से वो गुजर रहे थे। एक मध्यम वर्गीय परिवार से आना और ऑब्वियसली सैनिक स्कूल में एडमिशन पाना अपने आप में एक गर्व का विषय था। और ऑब्वियसली इस तरह से इनके लाइफ की एजुकेशन शुरू हुई। कहते हैं कि माँ से इनका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था, बचपन से ही इनकी माँ इन्हें अच्छी कहानियाँ, मोटिवेशनल कहानियाँ, वीरता की कहानियाँ और सदचरित्र की कहानियाँ सुनाया करती थी, जो कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक अटूट छाप छोड़ती हैं और वजह देती हैं कि वाकई में वो भारत के वीर सपूत क्यों बने और कैसे हर तरह की चुनौती, हर तरह की समस्या जो इनके जीवन में आई उनको किस तरह से उन्होंने फेस किया उस मोटिवेशन के साथ और अपने जीवन को लेकर आगे बढ़े। और कहते हैं कि वो हमेशा सम्मान तथा यश की परवाह करते थे और भारत माँ के दिल से वो इज्जत करते थे। कहा जाता है कि कैप्टन मनोज पांडे बचपन से ही सेना में जाने का शौक था, चाइल्ड ड्रीम था उनका कि वो बचपन से, ऑब्वियसली आई नो द मेनी यंगस्टर हैव अ ड्रीम टू बी अ फौजी इन दिस कंट्री, इस देश में वो फौजी बनना चाहते हैं। उसी तरह मनोज पांडे जी का भी जीवन बचपन में ऐसा ही था कि वो भी बचपन से ही सेना में जाना चाहते थे। उन्होंने लखनऊ सैनिक स्कूल में पढ़ाई के बाद ऑब्वियसली एनडीए की परीक्षा पास कर ली, जैसे सैनिक स्कूल में एडमिशन हुआ और ऑब्वियसली 12th तक आते आते उन्होंने फाइनली एनडीए का एग्जाम क्रैक कर लिया। अपनी माँ से बहुत प्यार था और ऑब्वियसली इस कड़ी में उन्होंने माँ से भी वादा किया था कि मैं एक दिन इस देश का फौजी बनूंगा, और ऑब्वियसली वो चीज़ उन्होंने करके दिखाई। जब इनके थोड़ा बाल्यकाल के जीवन को हम दर्शाने की कोशिश करें तो कहा जाता है कि एक बार मनोज पांडे जी अपनी माँ के साथ मेले में गए। जब वो मेले में गए तो मेले में जब वो घूम रहे थे तो घूमते घूमते उनकी नज़र एक बांसुरी पे पड़ती है और वो बांसुरी को खरीदने की जिद करने लगते हैं। माँ ने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि बांसुरी के बजाय आप कोई और खिलौना ले लें, बट उन्होंने इस बात को नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं माँ, मुझे वो बांसुरी चाहिए। और ऑब्वियसली उस जिद के आगे माँ को झुकना पड़ा और माँ ने 2 रुपए में वो बांसुरी खरीद करके कहीं ना कहीं मनोज पांडे जी को दी। कहते हैं कि माँ इसलिए नहीं चाहती थी कि 1-2 दिन में इस चीज़ को तोड़ करके फेंक देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब हम बात करें, जिम्मेदारी की जो बात करें, तो एक छोटी सी बांसुरी की कहानी भी आपको एहसास कराएगी कि आखिर जिम्मेदारी शब्द का मायने क्या है। किसी चीज़ को संभालना, सजोना, एक याद की तरह, एक इमोशन की तरह, ये सीखने के आपको मिलेगा मनोज पांडे जी के जीवन से। कहते हैं कि उस बांसुरी को खरीद करके माँ ने जो है फाइनली उन्हें दे दिया। कहते हैं वो बांसुरी अगले 22 सालों तक मनोज कुमार पांडे जी ने अपने साथ रखी। कहा जाता था कि वो दिन में एक बार कम से कम उस बांसुरी को निकालते थे, थोड़ी देर बजाते थे, एक सुकून का माहौल फैलाते थे और फाइनली उस बांसुरी को वो फिर से अगेन उस सिचुएशन में रख देते थे। कहते थे जब वो सैनिक स्कूल में गए, ऑब्वियसली लखनऊ, वहाँ से जब वो पुणे खड़गवासला गए ऑब्वियसली एनडीए के थ्रू, और फाइनली जब वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून गए, हर जर्नी में ये बांसुरी कहीं ना कहीं उनके साथ थी। और साथ ही साथ जब वो फाइनली मार्च की होली की छुट्टी में आए और उन्हें कारगिल पे वॉर के लिए जाना था, तो कहते हैं उस समय उस बांसुरी को उन्होंने संभाल करके अपने माँ के पास रखा कि माँ मैं लौट कर आऊँगा तब मैं इस बांसुरी को लेके जाऊँगा। व्हाट द स्टोरी आई रियली वांट टू टेल यू अबाउट इट, कि एक इमोशन कितना मायने रखता है। तब भी उस बांसुरी को वो माँ को दे के आए, वो एहसास करना चाहते थे कि माँ वो छोटा सा गिफ्ट जो मुझे आपने दिया है वो मेरे जीवन में कितना मायने रखता है, मैं उसकी कितनी कद्र करता हूँ, मैं उसकी कितनी वैल्यू करता हूँ। दैट द इंस्पिरेशन, इट्स मेक द पीपल डिफरेंट। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें दुनिया में सबसे अलग बनाती हैं, बेहतर बनाती हैं, और ये एक समाज के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है। कहा जाता है कि मनोज पांडे का जीवन बहुत ही सरल था, बहुत ही सामान्य था। ऑब्वियसली बहुत ही सामान्य परिवार से बिलोंग करने के नाते बचपन में नहीं स्कूल काफ़ी किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। कहते हैं कि जब इन्होंने सैनिक स्कूल में एडमिशन लिया तो उस समय भारतीय अखिल भारतीय स्कॉलरशिप टेस्ट की एक परीक्षा हुआ करती थी, जो कि नेशनल लेवल पर भी कंडक्ट होती थी और स्टेट लेवल पर। उस नेशनल लेवल एग्ज़ाम को इन्होंने क्रैक किया, जिसके माध्यम से उन्हें वजीफा मिलने लगा। कहते हैं कि बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी इसके पीछे है कि वजीफा तो मिलता ही था, बट एक बार इन्हें हॉस्टल फीस के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत हुई, किसी और पर्पज़ के लिए भी ज़रूरत हुई, तो इन्होंने माँ से कहा कि मैं मुझे कुछ और पैसे चाहिए। तो माँ ने कहा कि बेटा आप वजीफे से कुछ पैसा लेकर के इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि बहुत ही सामान्य परिवार से थे, उतना पैसा नहीं था। तो उन्होंने उसने माँ से कहा कि माँ मैं पिताजी को
कई सालों से देखता हूँ कि वही पुरानी साइकिल लेकर के वो चलते हैं, जो कि साइकिल अब ख़राब हो चुकी है। माँ, मैं अपने वजीफे से उन्हें एक साइकिल गिफ्ट करना चाहता हूँ। और कमाल की बात कि फाइनली उन्होंने जब फाइनल अपना वजीफा लिया तो अपने पिताजी को उन्होंने खरीद करके एक नई साइकिल दी। व्हाट द रियल थिंग वी आर गेटिंग थ्रू द स्टोरी, आखिर हमें रियलिटी क्या मिल रही है? ये है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये है सेंस ऑफ एडजस्टमेंट, एडेप्टेबिलिटी एंड द सोशल कोऑपरेशन जिसकी हम बात करते हैं। ये है फैक्टर टू आपका, जहां आप खुद से ज़्यादा जब दूसरों के लिए सोचना शुरू कर देते हैं, एंड दैट्स ऑल अबाउट द फौजी एटीट्यूड। कभी कभी मेरे से बच्चे पूछते हैं कि एक बड़ा बड़ा स्टेटमेंट सुनाया जाता है, फैक्टर टू, फैक्टर टू, फैक्टर टू कुछ और नहीं होता है। फैक्टर टू यही है कि जब आप दिल से, अपने इमोशन से, अपनी भावनाओं से, ऑब्वियसली किसी गैर के विषय में सोचें, किसी अपने के विषय में सोचें और उसके लिए बेहतर करना चाहें, दैट्स कॉल्ड द फैक्टर टू। तो मुझे लगता है कि फैक्टर टू क्वालिटी कोई रटने की क्वालिटी नहीं जिसको आप रट लेंगे, ये फैक्टर टू क्वालिटी एक महसूस करने की क्वालिटी है जो आप में ऑब्वियसली होनी चाहिए। और यही क्वालिटियाँ अंत में जो वेलक्यूज के माध्यम से आपके अंदर से निकलती हैं और फाइनली आपको फौज में सफल होने की बड़ी वजह देती हैं। कहा जाता है कि मनोज पांडे उत्तर प्रदेश में NCC के सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किए गए। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब NDA के इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आखिर आप फौज क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्रश्न है कि हर कैडेट से ये प्रश्न पूछा जाता है और हर कैडेट का वहां जवाब आता है। जवाब बहुत मायने रखता है क्योंकि जवाब कई तरह के हो सकते हैं। एक जो वाकई में आप सही वजह बता पाएं कि आप क्यों फौज को ज्वाइन करना चाहते हैं, एक आप अपने जवाब से केवल ये रियलाइज कराएं कि आप फौज क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली मुझे याद है कि उस इंसिडेंट में उन्होंने कहा था कि मुझे परमवीर चक्र पाना है, जीतना है, इसलिए मैं सेना में आना चाहता हूं। इंटरव्यू लेने वाले सैनिक अधिकारी ने फिर से उनसे पलट कर पूछा जब इंटरव्यू के दौरान थे कि आखिर आप क्या जानते हैं परमवीर चक्र के बारे में। तो बड़ी मासूमियत, बड़ी सज्जनता से, क्योंकि बहुत छोटे थे, आप समझ सकते हैं 10+2 लेवल पे अपीयरिंग में क्या उम्र होती होगी, तो उस उम्र उन्होंने कहा था कि मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है, बट इतना पता है कि इस देश का ये सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड है, इसलिए मैं इसको जीतना चाहता हूं। और मैं ये जानता हूं कि बहुत लोगों ने इसको मरणोपरांत मरने के बाद जीता है, बट मैं इसको जीते जी जीतना चाहता हूं। दैट्स द क्वालिटी अबाउट द कॉन्फिडेंस, ये कहते हैं कॉन्फिडेंस, ये कहते हैं गट्स होना किसी चीज को पाने के लिए, किसी चीज को। तो ये आज ऐसा प्रश्न का जवाब नहीं जो हम रिपीट कर देंगे, एक ऐसा जवाब जो दिल से आता है यार। तो आज ऐसा नहीं कि आप ये लाइन जाके बोल दें कि हाँ मुझे भी परमवीर चक्र जीतना, यार ये चीज इधर से आती है, ये चीज केवल इधर से आएगी ना तो इम्पैक्ट नहीं दे पाएगी सामने वाले पर। ऑब्वियसली वो इम्पैक्ट मनोज पांडे जी ने उस बाल्यावस्था में अपने इंटरव्यू के दौरान किया। कहा जाता है कि मनोज पांडे NDA में चुने गए और ऑब्वियसली NDA में केवल चुने ही नहीं गए, अपितु उन्होंने ऑब्वियसली भारत का सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र को भी जीता। शायद मुझे बहुत खुशी होती इस कहानी को बताते हुए कि शायद वो इस चीज़ को जीते जी जीते होते और आज हमारे बीच होते, बट मैं तब भी महसूस करता हूँ कि आज वो हम सबके दिल में है और वाकई में उन्होंने कर दिखाया फौज ज्वाइन करने का सपना और पहली उस परमवीर चक्र को जीतने का भी सपना। और मुझे लगता है यार बचपन से इंस्टिंग आती है और यही इंस्टिंग आपको आगे ले जाती है। थोड़ा सा कहानी में आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि माँ के आशीर्वाद से फाइनली मनोज पांडे जी कमीशन कैटेगरी में जा करके रिक्रूट हो गए। कमीशन कैटेगरी में जाने के बाद कहा जाता है कि सबसे पहले उनको 11वीं गोरखा राइफल में सबसे पहली बटालियन में वो पहुंच गए। ऑब्वियसली नेपाली क्षेत्र से थे तो लाजमी सी बात है कि वो गोरखा रेजिमेंट के ही हिस्सा होने वाले थे, तो वहां से वो फाइनली जो है फर्स्ट जो है गोरखा बटालियन में जो है जा करके रिक्रूट हो गए। उनकी तैनाती कश्मीर घाटी में हुई। ठीक अगले ही दिन उन्होंने एक सीनियर सेकेंड लेफ्टिनेंट PN दत्ता के साथ एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भरा काम पूरा किया। कहते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी भी लोगों को बहुत कम मिलती है जीवन में, जब आप फौज के किसी यूनिट में पहुंचने के साथ, चार्ज लेने के साथ एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक ओवर करें जो आपके जीवन और आपके हृदय को बदल करके रख दे और आपके मिशन और आपके ऑब्जेक्ट को बिल्कुल अलग बना दे। और शायद वो जर्नी मनोज पांडे जी के जीवन में स्टार्ट हो चुकी थी। इस कड़ी में कहानी आगे बढ़ती है। कहा जाता है कि PN दत्ता एक आतंकवादी गुट से मुठभेड़ में शहीद हो गए और वो उन्हें अशोक चक्र प्राप्त हुआ। ऑब्वियसली युद्ध के अलावा अगर फौज के अंदर हम किसी वीरता के सबसे बड़े चक्र की बात करते हैं तो हम अशोक चक्र की बात करते हैं। और कहीं ना कहीं सब लेफ्टिनेंट PN दत्ता के जीवन से, उनके ओवरऑल एफर्ट से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी छाप आई जो है मनोज पांडे जी के जीवन में और सब कुछ बदल के रख दिया। एक बार मनोज को एक टुकड़ी के लेकर गश्त के लिए भेजा गया, लौटने में बहुत देर हो गई, बहुत चिंतित हो गए कमांडिंग ऑफिसर यूनिट के सारे लोग कि आखिर क्या हुआ क्या हुआ। कहते लेटने में देरी हुई और दो दिन जो है देरी से लौट कर जब वापस आए तो उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उनसे पूछा
कि आखिर आपको लेट क्यों हुआ। तो उन्होंने बोला जहाँ पे आपने गश्त के लिए भेजा था, जिन मिलिटेंट से मिलने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए, उनको हिट करने के लिए, वो मिलिटेंट, वो उग्रवादी मिले ही नहीं, जिससे चलते चलते हम काफ़ी दूर चले गए। और जब तक उन उग्रवादियों से मुलाकात नहीं हुई, मुठभेड़ नहीं हुई, तब तक लौटने की इच्छा नहीं हुई। इस वजह से सर हमें लेट हो गया। तो बचपन से एक आदत थी बढ़ चढ़ के जिम्मेदारी लेने का और मिशन को अंतिम मुकाम तक पहुँचाने का। कहा जाता है कि जब इनकी बटालियन को सियाचिन में तैनात होना था, तब मनोज युवा अफसरों की एक ट्रेनिंग पर थे। वो इस बात से काफ़ी परेशान हो गए थे कि इस ट्रेनिंग की वजह से वो सियाचिन जा पाएंगे कि नहीं। जैसे कि आपको पता है कि मऊ में एक स्पेशल ऑफिसर्स ट्रेनिंग चलती है, जो कि हर फौजी को वहाँ पे अटेंड करना होता है। उस ट्रेनिंग के दौरान इनकी बटालियन का सियाचिन में रिक्रूटमेंट हो रहा था। ये काफ़ी चिंतित थे कि आखिर उन्हें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट ऑब्वियसली कहते हैं जब जज्बा होता है तो मौका मिलता है। जब इस टुकड़ी को कठिनाई भरे काम को अंजाम देने का मौका आया, तो मनोज ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को लिखा कि अगर उनकी टुकड़ी उत्तर ग्लेशियर की ओर जा रही हो तो उन्हें बाना चौकी दी जाए। बाना चौकी ऑब्वियसली बाना सिंह, जो कि परमवीर चक्र विजेता रहे, उनके नाम पे ये चीज़ जो है एस्टैब्लिश की गई। तो बाना चौकी इनको दिया जाए, और अगर सेंट्रल ग्लेशियर की ओर हो तो उन्हें पहलवान चौकी मिले। कहा जाता है कि इन दोनों चौकियों का दरअसल बहुत कठिन प्रकार की हिम्मत, दैट मीन बहुत बड़े गट्स और जज्बे के बाद ही आप इन बटालियंस का और इन कहीं ना कहीं पोस्ट के लिए अपने रिक्रूटमेंट मांगते हैं। कहते हैं कि मनोज चाहते थे कि उन्हें इस चीज़ के लिए मौका मिले। आखिरकार मनोज कुमार को लंबे समय तक 19,700 फीट की ऊंचाई पहलवान चौकी पर डटा रहने का मौका मिला। और कहते हैं आप में जज्बा हो जब किसी चीज़ को पाने का और एक मजबूत इच्छा शक्ति हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। और उसका साक्षात एग्जाम्पल हैं हमारे कैप्टन मनोज पांडे। मनोज पांडे की टुकड़ी सियाचिन की चौकी से होकर वापस आई। अभी 3 मई 1999 को कारगिल युद्ध के संकेत मिलने लगे। इस वीर योद्धा ने आराम की बात भूलकर फिर से तैयार होकर के दुश्मनों को धूल जटाने की बात की। व्हाट आई वांट टू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, एक आदमी जो सियाचिन के सिचुएशन को फेस करके आया है -53, कहते हैं कि उस 3 महीने का मैक्सिमम जो वहाँ पे आपका पोस्ट पे तैनाती होती है, तीन महीने के अंदर 5-5, 10-10 किलो लोगों के वजन घट जाते हैं। बहुत ही टफ लाइफस्टाइल को सर्वाइव करना होता है। उसके बाद आपको पीस पोस्टिंग पे भेजा जाता है कि आप शांति का जीवन गुजर बसर करें। बट इन्होंने एक चीज़ न स्वीकारी, जैसे ही इनको इस चीज़ की सुखबुकाहट का पता चला, इन्होंने पीस पोस्टिंग को कैंसिल करते हुए निर्णय लिया कि मुझे कारगिल युद्ध में पार्टिसिपेट करना है। और वो पहले अफसर थे जिन्होंने खुद बढ़कर कारगिल युद्ध में पार्टिसिपेट करने की बात की। अगर लेफ्टिनेंट चाहते तो उन्हें छुट्टी भी मिल सकती थी, क्योंकि वो अभी सियाचिन चौकी से होकर आए थे। पर कहते ना कि देश प्रेम का जज्बा उनके खून में भरा था। वो इस युद्ध के लिए आगे आए और जीवन के सबसे निर्णायक युद्ध के लिए 3 जुलाई 1999 को फिर से वो निकल पड़े। 1997 जब लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे 111 गोरखा राइफल का हिस्सा बने, तो कहते हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी हुई कि दशहरा पूजा के दौरान वहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप बकरे की बलि देकर के अपनी दिलेरी को सिद्ध करते हैं। तो ऑब्वियसली ये अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं नए रिक्रूट होने की वजह से कैप्टन मनोज पांडे को ये जिम्मेदारी उस समय दी गई। लेफ्टिनेंट उस समय हुआ करते थे। एक क्षण के लिए तो मनोज थोड़ा विचलित हुए, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने फरसे को उठाया और ज़बरदस्त वार करते हुए बकरे की गर्दन उड़ा दी। कहते हैं कि उनके चेहरे पर बकरे के खून के छींटे पड़े और वो अपने कमरे में एकांत में गए और वहाँ कम से कम उन्होंने 1 दर्जन बार अपने मुंह को धुला। और वो शायद पहली बार जानबूझकर की गई हत्या को लेकर के कहीं ना कहीं अपराध बोध महसूस कर रहे थे, उसको दूर करने की वो कोशिश भी कर रहे थे। मनोज कुमार पांडे ताउम्र शाकाहारी रहे और उन्होंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। एक बड़ा फोबिया रहता है कि हाँ एवरी फौजी इज लाइक अ ड्रिंकर एंड समथिंग। नो, ये आपका स्वयं का इच्छा शक्ति है कि आप किस तरह का जीवन शैली जीना चाहते हैं। नो बडी इज फोर्सिंग यू, आपको कोई फोर्स नहीं करता किसी चीज़ के लिए। 1.5 साल के अंदर मनोज के भीतर जान ले ले कि झिझक करीब करीब खत्म हो चुकी थी। अब वो एक गोरखा सोल्जर के रूप में निकल के आए थे। कहा जाता है अब वो हमले की योजना बनाने, हमला करने और अचानक घात लगा करके दुश्मन की वाट लगाने में, जान लेने की कला में सबसे पारंगत हो चुके थे और सबसे बेहतर योद्धा के रूप में निकल के आए थे। और ये है फौज की ट्रेनिंग कि आपको किस पर्सनैलिटी से किस पर्सनैलिटी का टर्नअप मिला। कहा जाता है कि कड़ाके के ठंड में भी, बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच 4.5 किलो का बैग पैक करके वो चढ़ जाया करते थे। चढ़ने में महारत हासिल कर रखी थी उन्होंने। कहा जाता है कि बैग पैक में उनका स्लीपिंग बैग, एक अतिरिक्त ऊनी मोजा, सेविंग किट और घर के खत रहा करते थे। कहते थे कि जब भूख लगा करती थी उस समय, क्योंकि आप जब चढ़ाई पे होते हैं, इट्स लुक वेरी इजी यार, ये बड़ा बाहर से आसान दिखता है ना हमें, इट्स नॉट वेरी इजी एंड इट्स नॉट अ रियल लाइफ कि हाँ उधर कैमरा लगा है और आपको क्रेन से उठा के बैठा, इट्स अ रियल लाइफ यार। 19,700 फीट की ऊंचाई,
पर रियल में चढ़ना होता है, ये डायलॉग वाली बातें नहीं होती हैं। तो समय इन व्यवस्थाओं के साथ वो चढ़ा करते तो उनको महारत हासिल था उस चीज़ का। कहते हैं कि रास्ते में जाते समय खाने के लिए किचन नहीं मिलते थे, वो पूड़ियाँ लेके जाया करते थे, सूखी हुई पूड़ियाँ, और उन्हीं से अपने पेट पूजा किया करते थे और अपने मिशन पे आगे बढ़ा करते थे। कहा जाता है कि ठंड से बचने के लिए वो उन्हीं मोजों को दस्ताने के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। 11 गोरखा राइफल की पहली बटालियन सियाचिन में 3 महीने का अपना कार्यकाल पूरा किया था। सारे अफसर सैनिक पुणे में पीस पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे। बटालियन एक एडवांस पार्टी पहले ही पुणे पहुंच चुकी थी। सैनिकों ने अपने जाड़ों के कपड़े और हथियार वापस कर दिए थे, क्योंकि जाड़ों के कपड़े वहां पे सियाचिन में आपको अलग मिलते हैं, हथियार भी अलग तरह के मिलते हैं, उन सबको सबने वापस कर रखा था। ज़्यादातर सैनिकों को छुट्टी पर भेज दिया गया था। दुनिया के सबसे ऊँचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में लड़ने के अपने नुकसान हैं। कहा जाता है कि विरोधी सेना से ज़्यादा जालिम वहाँ का मौसम है। जाहिर है सारे सैनिक बुरी तरह से थक चुके थे। करीब करीब हर सैनिक का 5 किलो वजन कम हो चुका था। तभी अचानक आदेश आया कि बटालियन के बाकी सैनिक पुणे ना जाकर कारगिल में बटालियन की तरफ से बढ़ेंगे, जहां पाकिस्तान भारी घुसपैठ की खबर आ रही थी और वो भारी घुसपैठ के लिए तैयार हो रहे थे। मनोज हमेशा आगे बढ़कर अपने सैनिकों को नेतृत्व करते थे। कहते हैं 2 महीने लगातार चले ऑपरेशन में कुकरथोंग, ध्यान रखिएगा 160 चोटियों को कब्जा किया हमारे भारतीय वीर सैनिकों ने। उनमें से अगर हम बात करें 2 अहम चोटियों की, तो कुकरथोंग एंड जुबर टॉप जैसी कई चोटियों पर दोबारा कब्जा कर लिया गया, और ये दोबारा कब्जा कहीं ना कहीं कैप्टन मनोज पांडे के वजह से पॉसिबल हो पाया। इन्हें जिम्मेदारी मिली खालुबार को पता करने के लिए। खालुबार की भी मैं पूरी कहानी डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, क्योंकि एक ऐसी जर्नी रही है जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप रियलाइज करेंगे कि एक रियल फौजी क्या है यार, एक रियल देशभक्ति क्या है, जज्बा क्या है कि देश के लिए सब कुछ कर गुजरने का जज्बा। ये जज्बा बनाता है ऑफिसर आपको, और उस जज्बे को अंदर तैयार लाना होगा, तभी देश हमारा आगे बढ़ेगा और हम सब आगे बढ़ेंगे। कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है। 11 गोरखा राइफल की ब्राओ कंपनी के साथ इस युद्ध के दौरान उनका प्रमोशन कर दिया गया, उन्हें लेफ्टिनेंट से कैप्टन मनोज पांडे बना दिया गया। अब आप हमेशा पूछते हैं, नहीं जब आप वॉर अटैक पे होते हैं तो ग्राउंड में आपके प्रमोशन पॉसिबिलिटीज़ भी होती हैं, तो उतना ईयर स्लॉट बिना पूरा किए भी अपने पराक्रम, अपनी जीत और अपने परफॉर्मेंस के आधार पे आप इन पद को बेहतर कर सकते हैं। इन्हें जिम्मेदारी मिली खालुबार की फिर से। उस समय गोरखा राइफल चारों तरफ से घिरे हुए थे, क्योंकि जिस तरह से ऊंचाई पर चढ़ रहे थे खालुबार पर, कहीं ना कहीं पहले से ही बंकर बना करके वहाँ पर सिचुएटेड थे और चारों तरफ से घिरे हुए थे। पाकिस्तानी उनके ऊपर बुरी तरह से छाए हुए थे, वो ऊंचाई पर थे, गोरखा राइफल नीचे थी। उस समय भारत को बहुत सख्त ज़रूरत थी एक जीत की, जिससे कि सैनिकों का मनोबल बढ़ चुके, क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन थी वो जीतना हमारे लिए बहुत अहम था। क्यों अहम था इस बात को हम समझेंगे, और कहीं ना कहीं हमारे फौजियों के ओवरऑल मनोबल को बढ़ाने के लिए उस खालुबार पोस्ट को कब्जा करना कहीं ना कहीं भारतीय सैनिकों के लिए बहुत जरूरी हो गया था। खालुबार टॉप सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण जगह थी। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इसलिए कहा जाता है कि एक कम्युनिकेशन हब भी था भारत के विरोधियों के लिए। भारत का मानना था अगर हमारा वहाँ कब्जा होता है तो पाकिस्तानियों के दूसरे ठिकाने कठिनाई में पड़ जाएंगे। क्यों? उनको रसद नहीं पहुँचा पाएंगे और उनका जो आपस में इंटरलिंक है, जो कनेक्शन है आने जाने का, कहीं ना कहीं उसमें भी हम बाधा उत्पन्न करने में कामयाब हो पाएंगे। और कहने का मतलब है कि हम इससे पूरी लड़ाई का 1999 का रुख बदल सकते हैं, और इस रुख को बदलने के लिए कैप्टन मनोज पांडे तैयार थे। इस हमले के लिए गोरखा राइफल्स के 2 कंपनियों को चुना गया, और पिछली 2 कंपनी का मतलब ये था कि जो हमारी कमांडो प्लाटून थी जो सबसे आगे चलती हैं, उन 2 कंपनियों को वहाँ से चुन लिया गया। ऑब्वियसली कंपनी में आप समझते हैं 120 सोल्जर्स होते, अराउंड 240 सोल्जर्स का चुनाव किया गया इस पूरे मिशन पे आगे लेके बढ़ने के लिए। कहते हैं कर्नल ललित राय जो कि कमांडिंग ऑफिसर थे, उन लोगों के साथ चल रहे थे। अभी वो थोड़ी दूर ही चढ़े होंगे कि पाकिस्तानियों ने उन पर गोलाबारी शुरू कर दी और सभी सैनिक तितर बितर हो गए, क्योंकि वो ऊंचाई पर बैठे थे तो हमेशा उनके लिए बहुत आसान था गोलीबारी करना, और वो कहीं ना कहीं हमें हमेशा विचलित करता था। बट अगेन सैनिक तितर बितर हो गए। मशीन गन की गोलियों की रफ्तार कहते हैं 2900 फीट प्रति सेकंड। आप समझिएगा 2900 फीट प्रति सेकंड की स्पीड से मशीन गन की गोलियां चलती हैं। अगर वो आपके बाजू से चली जाए तो आपको लगता है किसी ने आपको जोर का धक्का मारा, क्योंकि उसके साथ एक एयर पॉकेट भी आता है जो आप में एक एयर प्रेशर बनाता है जो आपको बैक में ले जाता है। बड़ा आसान लगता है ना यार, हम फिल्मी कहानियां देखते हैं, फिल्मी हीरोज़ को गोली चलाते देखते हैं, लोग उड़ते हुए देखते हैं, इट्स नॉट लाइक द रियलिटी। रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। कहते हो जब छाए से गोली निकलती है बगल से ना, तो रियलाइज़ कराती है कि आखिर जीवन और मृत्यु का असल मायने
में क्या है, और उस सिचुएशन में भी शेर की तरह डटे रहना अगर कोई समझता है तो हमारे देश के फौजी समझते हैं। तो यार शेर तो बनना पड़ेगा, क्योंकि जिस क्षेत्र विशेष का आपने निर्णय लिया है वहाँ पर रियल लॉयंस की ज़रूरत है, और वो रियल लॉयन थे हमारे कैप्टन मनोज पांडे। जब गोरखा राइफल्स की दोनों कंपनी खालोबार टॉप अराउंड 16,000 फीट से करीब 600 गज नीचे थे, दैट मीन 1800 फीट। आप समझ सकते हैं 16,000 फीट की ऊंचाई मात्र 600 गज नीचे, दैट मीन 1800 फीट नीचे थे, तो दो इलाकों से बहुत मारक और नुकसानदायक फायर उनके ऊपर आ रहा है, दैट मीन जबरदस्त अटैक उनके ऊपर स्टार्ट हुआ। कमांडिंग अफसर के रूप में कर्नल ललित राय बहुत दुविधा में थे, अगर वो आगे चार्ज करें दैट मीन वहाँ से फायरिंग पोजिशन लें और चीज़ों को तैयार करें, तो कहा जाता है कि वो सब खत्म हो जाएंगे। तब इतिहास में कहा जाएगा कि कमांडिंग अफसर ने सबको मरवा दिया। अगर वो चार्ज ना करें तो लोग कहेंगे कि अपने लक्ष्य पे पहुंचने से पहले ही घबरा गए, दैट मीन उन्होंने एक कायरता का प्रदर्शन दिया। कितनी कमाल सिचुएशन है, आप टेक्निकली समझें, एक ऐसी सिचुएशन जहां आप मार भी नहीं सकते और जहां आप भाग भी नहीं सकते हैं, और उन सिचुएशंस में निर्णय लेना पड़ता है, और निर्णय ही नहीं लेना पड़ता है, उस निर्णय को सही भी साबित करना पड़ता है। तो ये है फौज ओवरऑल। इसीलिए मैं समझाता हूँ बेटा, ये मायने नहीं लगता है कि क्या निर्णय ले लिया, मायने ये लगता है यार कि जो निर्णय ले लिया उसको पूर्ण करके दिखाना है, उसको करके दिखाना। और समाज में बहुत लोग आएंगे जो आपको ये रियलाइज़ कराएंगे कि आप ये नहीं कर पाओगे, बट ये निर्णय आपका है, ये निर्णय किसी और का नहीं है, और कौन साला दूसरा होता है तुमको ये कहने वाला और बताने वाला कि तुम ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ये आपकी स्वयं की इच्छा शक्ति, स्वयं की ताकत और स्वयं के सामर्थ्य पर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो यार जज्बा बनाओ, निर्णय ले लो। अगर इस एग्जाम को, अपकमिंग एग्जाम को क्रैक करना है सर, तो करना है, और करने के लिए सौरभ सर तुम्हारे अंदर आग लगाते रहेंगे, मेजर कल से आपके पास आता रहेगा और आपके जज्बे को जगाता रहेगा, जब तक वो वर्दी और वो स्टार्स आपके शोल्डर्स में नहीं होंगे। वी आर विथ यू, हम आपके साथ हैं। कहते हैं कि उसी समय एक निर्णय होता है, उन्होंने सोचा कि दोनों को दो टुकड़ियां बनानी चाहिए, सुबह होने से पहले वहां पहुंच जाएं, वरना दिन की रोशनी में सबका बचना मुश्किल होगा। इन हालात में उनके सबसे नजदीक जो अफसर थे वो थे कैप्टन मनोज पांडे। बीइंग अ कमांडिंग ऑफिसर, जब उन्होंने देखा कि आसपास सबसे दो ग्रुप में हम पूरी टीम को बांटेंगे, और सबसे नजदीक जब उन्होंने नोटिस किया तो उन्हें कैप्टन मनोज पांडे दिखाई दिए। जैसे कैप्टन मनोज पांडे उनके सामने दिखे, उन्होंने को सीधा आदेश मिला कि आप अपनी प्लाटून को लेकर के ऊपर बढ़ें। ऑब्वियसली 34 से 36 लोग एक प्लाटून में, ऊपर चार बंकर नजर आ रहे थे, जो सिचुएशन थी वो चार बंकर की थी। मनोज को उन पर धावा बोलना था और उनको नष्ट करना था। मनोज ने एक सेकंड के लिए भी कोई झिझक नहीं दिखाई, और रात के अंधेरे में कड़कड़ाती ठंड और भयानक बम्बार्डमेंट के बीच ऊपर चढ़ गए। नाउ नेक्स्ट क्वालिटी, बीइंग अ लीडर, व्हाट वी नीड टू लर्न फ्रॉम हिम एंड एवरी स्टेप ऑफ एसएसबी, यू विल गेट दैट पॉइंट कि आप में वो लीडरशिप, वो इनिशिएटिव लेने की क्षमता है कि नहीं, वो करेज, वो डिटर्मिनेशन आपके अंदर है कि नहीं। और उसके साथ छात एग्जाम्पल थे कैप्टन मनोज पांडे। एवरी टाइम जेंटलमैन यू आस्क मी ना सर कि हाउ टू इन्हांस द वेलक्यू इन आर पर्सनैलिटी, यार इट्स नॉट अ क्वालिटी कि किसी के इंजेक्शन मारने से आपके अंदर आएगा, दिस इज द क्वालिटी जो आपको महसूस करनी होगी। और मुझे लगता है कि ये इंस्पिरेशनल स्टोरीज, ये इंस्पिरेशनल कहानी जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इनके जीवन के हर स्टेप और हर प्रयास से आप ये सीख सकते हैं कि क्या कमाल की वेलक्यूज थी। एंड दैट्स वाई ही इज़ अ कैप्टन मनोज पांडे, जो कि हमारे दिल और आपके दिल में बसते हैं। कहते हैं कि मनोज ने अपने राइफल्स के बीच ब्रिज ब्लॉक को अपने उन्हीं मोजे से ढक रखा था। ब्रिज ब्लॉक आप समझते हैं कि जो खटका खींचते हैं, स्प्रिंग लगी होती है, उसके आगे एक चूहे जैसी नोक होती है, वही जाके आपके बुलेट्स पे लगती है और फायर होता है। कहा जाता है कि ठंड में उसके जमने के चांसेस हो जाते हैं, तो उन्होंने अपने मोजे से उस चीज़ को कवर कर रखा था जिससे कि वो एरिया गर्म रहे और मुझे ज़रूरत आने पर मेरी कहीं ना कहीं राइफल काम करना बंद ना करे और मैं दुश्मनों को मार गिराऊं। कहते हैं इस कड़ी में जब आगे बढ़े तो बेहतर ठंड था जो जम ना जाए, हालांकि उस समय तापमान शून्य के नीचे जा रहा था। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप जानेंगे कि सीधी चढ़ाई चढ़ने की वजह से भारतीय सैनिकों के कपड़े पसीने से भीगे हुए थे, माइनस टेम्परेचर है और कपड़ों में पसीना लगा हुआ है। ये है जज्बा जब आप किसी मिशन के लिए रियल में बढ़ रहे होते हैं। हम तो एक सेकंड में घबरा जाते हैं यार, अच्छा मौसम नहीं पड़ेंगे, गर्म मौसम नहीं पड़ेंगे, थोड़ी ठंडी रजाई में भी घुस के हम नहीं पड़ेंगे। ये एक्सक्यूजेज एक फौजी नहीं बनाते हैं यार, बल्कि इन एक्सक्यूजेज से बाहर निकल के जब आप कुछ बेहतर करते हैं जीवन में ना, वो चीज़ आपको फौजी बनाती है। कहते हैं हर सैनिक के पास 1 लीटर पानी की बोतल थी, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते उनका सारा पानी खत्म हो चुका था। इंटरेस्टिंग बात, वैसे तो चारों तरफ बर्फ पड़ी हुई थी,
बर्फ खा सकते थे, लेकिन गोराबारी होने की वजह से इतना प्रदूषित हो गई थी बर्फ कि उसको खाना ठीक नहीं था। मनोज अपने सूखे ओटों को जीप फिरा फिरा के चल रहे थे, क्योंकि जब पानी नहीं है तो ओट सूख रहे हैं, उन पर बार बार जीप फिराए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पानी की बोतल को हाथ नहीं लगाया। कहते हैं कि सिर्फ एक घूंट बचा के रखी, और ये बड़ा साइकोलॉजिकल रीजन था। उन्होंने डिसाइड कर रखा था कि मैं मिशन को डन करने के बाद उस एक घूंट पानी को पीऊँगा और ये बताऊँगा कि व्हाट आई डिड माय लाइफ। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल रीजन है यार, कि जिंदगी में किसी छोटी सी चीज़ को आप उस टाइम पे एंजॉय करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उसको लेना चाहते हैं, जब वाकई में आप उस मिशन और उस विजन को तय कर लेते हैं। तो ये एग्जांपल है कि आपके भी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट होने चाहिए। पहले सोचा गया कि वहाँ 4 बंकर हैं, लेकिन ऊपर ना जा कर रिपोर्ट किया तो देखा तो 6 बंकर हैं। हर बंकर से 2-2 मशीन गन भारतीयों के ऊपर फायर बरसा रहे थे। जैसे आप बंकर समझते हैं, पूरा घेरा होता है, गड्ढा बना के बैठते हैं, कवर होता है, 2-2 मशीन गन एक इस पॉइंट पे लगे हुए थे, और वो घेरा बना के पूरी तरह से अटैक कर रहे थे। कहा जाता है कि उनको उड़ाने के लिए मनोज ने हवलदार दीवान को भेजा। दीवान ने भी फ्रंटल चार्ज कर उन बंकरों को बर्बाद किया, लेकिन उन्हीं गोलीबारी लगी और उसी में वीरगति प्राप्त हो गए। बाकी बंकरों को ठिकाने लगाने के लिए मनोज और उनके साथी जमीन पर रेंगते हुए बिल्कुल उनके पास पहुंचे। बंकर को उड़ाने का एक ही तरीका होता है कि आप उसके लूप में जाकर के ग्रेनेड डाल दें, लेकिन ग्रेनेड डालने के लिए लाजमी सी बात है कि आपको उसके नजदीक जाना होता है, क्योंकि अगर ग्रेनेड आपका बंकर के बाहर गिरा तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि पत्थर से घिरे होते हैं और वो अंदर होते हैं। अगर आपको इफेक्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो लाजमी सी बात है कि आपको बंकर के अंदर ही ग्रेनेड को गिराना होगा उस लूप के माध्यम से। ये खिसकते वहां पर पहुंचे और बैक टू बैक 3 बंकर में ग्रेनेड को गिराया और धड़ाधड़ सारे बंकर जो है वो ब्लास्ट कर दिए और ध्वस्त कर दिए। लेकिन जब वो चौथे बंकर में ग्रेनेड फेंकने की कोशिश कर रहे थे तो उनके बाएं हिस्से के हाथ में आकर के कुछ गोलियां लगी और वो लहूलुहान हो गए। हालांकि लड़कों ने, जो 7 के फौजी अफसर थे, जो सैनिक थे, उन्होंने कहा कि सर अब ये काम मैं करता हूँ, आप यहाँ बैठ कर सर देखिए, हम उसे ख़त्म करके आते हैं। लेकिन देखिए इस बहादुर अफसर का साहस और कर्तव्य बोध। उन्होंने कहा कि देखो, कमांडिंग ऑफिसर ने मुझे जिम्मेदारी दी है, अभी मेरा फर्ज बनता है कि मैं अटैक को लीड करूँ और कमांडिंग अफसर को अपना विक्ट्री साइन भेजूँ। तो ये जज्बा होता है यार, इसको कहते हैं लाइवलीनेस आपकी फौज में, जिसको आप जीवंतता के नाम से पहचानते हैं, कि अंत तक ना मरने की इच्छा रखते हुए जीत जाने का जज्बा रखना ही लाइवलीनेस है, जो कैप्टन मनोज पांडे के अंदर दिख रहा था। वो रेंगते रेंगते चौथे बंकर के पास गए, तब तक उनका बहुत खून बह चुका था। उन्होंने खड़े होकर के ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की, तभी पाकिस्तानियों ने उन्हें देख लिया और मशीन गन स्विंग कर 4 गोलियां उन पर चलाई। ये गोलियां उनके हेलमेट को पार करती हुई उनके माथे को चीरती चली गई। पाकिस्तानी एडी मशीन गन इस्तेमाल कर रहे थे, 14.7 mm वाली, उससे मनोज का पूरा सिर उड़ा दिया और वो जमीन पर गिर गए। अब देखिए उस अफसर का जोश कि मरते मरते उन्होंने कहा कि ना छोड़नू, जिसका मतलब उनको छोड़ना नहीं। ये उम्र थी 24 साल 7 महीने की, जो लाइन की तरह दहाड़ रहा था, और फाइनली वो ग्रेनेड जो उनके हाथ में था गोली लगने से पहले उस बंकर के अंदर गिरा और चौथा बंकर भी ध्वस्त हो गया। और कहते हैं कि उसके बाद कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की, तो बाकी फौज ने फटाफट भाग करके अपनी कुकरी निकाल के उन सबको वहां पे ध्वस्त किया और फाइनली तिरंगा झंडा उस पर्टिकुलर खालोबार टॉप हिल पे फहराया गया। कहा जाता है कि पाकिस्तानी बंकर में उनका ग्रेनेड बस्ट हुआ, कुछ लोग मारे गए, भागने की भी कोशिश की और उन्हें मार गिराया गया। इस अद्वितीय वीरता के लिए कैप्टन मनोज पांडे को मरणोपरांत भारत का सबसे बड़ा अवार्ड, जिसको आप परमवीर चक्र के नाम से पहचानते हैं, उस परमवीर चक्र को दिया गया। इस अभियान में कर्नल ललित राय के भी पैर में गोली लगी और उन्हें भी वीर चक्र दिया गया। इस जीत के लिए भारतीय सेना को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। कर्नल ललित राय अपने साथ 2 कंपनियां लेकर ऊपर गए थे, खालूबार पर भारतीय झंडा फहराया तो उस समय सिर्फ 8 जवान बचे थे, बाकी लोग या तो मारे गए या तो घायल हो गए। उस ज्योति पर गोरखा राइफल के सैनिकों ने बिना किसी खाने और पानी के 3 दिन तक काटे, और जब उस रास्ते से नीचे उतरे तो चारों तरफ सैनिकों की लाशें पड़ी हुई थी। बहुत से सौ बर्फ में जब चुके थे, वो उसी स्थान पर थे जहाँ उनको चट्टान की आड़ में छिपाया गया था। उनकी राइफलें अभी तक पाकिस्तानी बंकरों की तरफ थी और उनकी उंगली ट्रिगर को दबाए हुए थी। मैगजीन को चेक किया तो राइफल्स में एक भी गोली नहीं बची थी और वो जमकर एक तरह के आइस ब्लॉक बन गए थे। तो यार, हमारे जवान आखिरी सांस तक लड़ते रहे और वो जब मरे भी ना, तो राइफल की दिशा उनके बंकर की तरफ थी।
उनके उंगलियां उस ट्रिगर पे थी, वो अंतिम सांस तक लड़े। ये अंतिम सांस की लड़ाई कोई एग्जाम्पल नहीं है, एक ऐसी असलियत है जिसको हमें महसूस करने की और फील करने की ज़रूरत है। और वाकई में वो अंतिम सांस तक लड़े, जब तक वो गोलियां ख़त्म नहीं हो गई तब तक वो लड़ते रहे, मारते रहे और जीतने का जज्बा कायम रखा केवल एक चीज़ के लिए, क्योंकि वो भारत माता का तिरंगा उस पर्टिकुलर चोटी पर फहराता हुआ देखना चाहते थे। और फाइनली वो झंडा उस चोटी पर फहराया गया। ये तो कैप्टन मनोज पांडे का कद कहते हैं कि केवल 5 फीट 6 इंच का था। बहुत ही जोशीले नौजवान अफसर थे, जो भी काम दिया जाता था उसको पूरी जान लगा के करते थे। कद छोटा था लेकिन उनके साहस, जीवट, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की जब मैं बात करता हूँ तो शायद वो फौज के सबसे ऊंचे व्यक्ति थे जिनको हम अंतरात्मा से और दिल से सल्यूट करते हैं। और उस एग्जाम्पल को उन्होंने सेट करके दिखाया। कारगिल युद्ध में असाधारण बहादुरी के लिए उन्हें सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। लेकिन उस पद लेने के लिए ऑब्वियसली वो स्वयं नहीं रहे, उनके पिता गोपी चंद पांडे जी ने 26 जनवरी 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति के नारायण के हजारों लोगों के सामने ग्रहण किया। सारा देश उनकी बहादुरी को प्रणाम करता है, उस वीरता को प्रणाम करता है, उस जज्बे को प्रणाम करता है। उम्र 24 साल की, बट देश के प्रति व्हाट अ जज्बा, व्हाट अ जुनून। और ऑब्वियसली एक ऐसी याद, एक ऐसी वीरता की मिसाल वो छोड़ के गए तो ऑब्वियसली कहते हैं ना कि अंतिम सांस तक वो हमारे दिल में बसेंगे। और ऑब्वियसली उनकी मुझे आज एक लाइन बहुत अच्छे से याद आ रही है कि उन्होंने कहा था कि बहुत लोगों ने ये परमवीर चक्र मरणोपरांत जीता था, मैं इसको जीवित रहने जीतना चाहता हूँ। ऑब्वियसली मुझे आज बहुत खुशी होती कि शायद उनके जीवित रहते हुए आज मैं इस कहानी को कह रहा होता और वो कहानी स्वयं से कह रहे होते। बट मैं दिल से मानता हूँ कि हम सबके दिल में वो जीवित हैं और ऑब्वियसली मेरी आत्मा कहती है कि आज भी वो जीवंत होकर के उस परमवीर चक्र को पाए हैं और कर दिखाया कि भारतीय फौज क्या है। और हम आज सुरक्षित हैं, आज हम बेहतर हैं, कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन वीरों की वजह से। तो यार इतना नेगेटिव नहीं होना है ज़िंदगी में, हर सिचुएशन से लड़ने का, उसको फाइट करने का, उसको फेस करने का जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। छोटी छोटी बातों से हम घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है यार, यही जीवन है। समस्याएँ, संघर्ष, एफर्ट्स, यही सब मिलकर हमको बेहतर बनाते हैं और वाकई में हमें भारतीय होने का नाच दिलाते हैं। तो मैं इधर आता रहूँगा, फिर से आग लगाता रहूँगा और आपके जज्बे को बढ़ाता रहूँगा तब तक जब तक फाइनली वो वर्दी आपके कंधे पे नहीं होगी, स्टार्स आपके कंधे पे नहीं होंगे। तो मुझे तो चाहिए यार, बस ज़रूरत है कि आप भी वो आग, वो जज्बा अपने अंदर बनाए रखें। लगातार एग्ज़ाम शेड्यूल हो रहे हैं, बच्चे लगातार मेरे से पूछ रहे थे, NDA का एग्ज़ाम शेड्यूल, TS की इंट्री फाइनल हो गई, CDS क्लियर हो गया, FCAT का एग्ज़ाम शेड्यूल हो गया, बहुत जल्द एयरफोर्स एंड नेवी की भी डेट्स आप सुनने वाले हैं और सौरभ सर स्वयं आके उन डेट्स को आपके सामने अनाउंस करेंगे लाइव होकर के और आपको बताएंगे। तो डेट्स नहीं अहम है यार, ज़रूरत है एक असल तैयारी का। तो लग जाओ और फाइनली उस वर्दी को पा करके, उन स्टार्स को अपने कंधों पे सजा करके इस धरती पे पैदा होने का, अपने परिवार को गर्व महसूस करने का और ऑब्वियसली हम सबको प्राउड महसूस करने की एक वजह दे जाओ। एंड दैट द मिशन फॉर व्हाट आई एम हियर। और ये मैं जर्नी चलाता रहूंगा, मैं इधर आता रहूंगा और हर रियल शेर की गाथा आपके सामने गाता रहूंगा और तब तक गाऊंगा यार कि जब तक आप उस वर्दी को ना तय कर लें। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए, जो भी आपको उचित लगता है, जिनकी भी कहानी सुननी है, मैं आऊंगा इधर से, दिल से आपको सुनाऊंगा और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो बिल्डअप लाऊंगा कि आप कभी निराश नहीं होंगे अपने लक्ष्य के करीब जाने के लिए। तो जस्ट गेट रेडी बड़ी, फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, इतना फैलाओ कि देश के अंदर कि हर नेगेटिविटी खत्म हो जाए और इनकी कहानियां सुन करके, पढ़ करके एक मरा हुआ इंसान भी जगे और डिसाइड करे कि मुझे भी एक दिन इस देश की सेवा करनी है और इस देश के लिए कुछ बेहतर करना है। तो थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत। Major Kalshi classes online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. Ab online padhega, tabhi to fauji banega India. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.